प्रकार से इन्हें आंखों पे लगाया जाता है और फिर बच्चों को डराया जाता है। और अब बच्चों से पेपर लेते हैं और उसे चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमें और जगह अभी जाना है, अभी हमें डांडा जाना है। तो आज के दिन की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ शाम के 3 बजे से, क्योंकि दिन में मैं काफ़ी बिजी था। जहाँ जिस वाली वीडियो में मैंने झंगोरा दिखाया था वहीं गया था मैं वापस से, और जिन्होंने झंगोरे वाली वीडियो नहीं देखी है आई कार्ड में उसका लिंक है, देख लें। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको पहाड़ी बच्चे बहुत सारे जो कि पढ़ने आते हैं मेरे पास यहाँ। जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद है, कॉलेज बंद है, इसीलिए मैं घर में हूँ और तभी से मैं इन्हें पढ़ाता हूँ। 2-3 महीने हो गए। तो आज इनका पेपर है, हर शनिवार को पेपर होता है और अभी बच्चे पेपर ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है गांव के वो बच्चे जो कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से आजकल स्कूल बंद है, इसीलिए मैं अभी घर में हूँ और इन्हें पढ़ा लेता हूँ। पिछले 2 महीनों से इन्हें पढ़ा रहा हूँ और हर शनिवार को इनका पेपर होता है। तो आज सारे बच्चों को छत पे बिठा रखा है, क्योंकि अंदर रूम में इतनी जगह नहीं है और इन सब का पेपर है, तो इसीलिए छत पे बैठ रखे हैं सब। सभी बच्चों ने पेपर कर लिए हैं, सब बोल रहे हैं हमने कर दिया सर, हमने कर दिया। तो जमा करते हैं सबके पेपर। टेस्ट की कॉपी चेक हो गई है और सब बच्चे अब घर की ओर जा रहे हैं। और तो ट्यूशन ख़त्म हो गया, सारे बच्चे घर चले गए और अब हमें डांडा जाना है। और डांडा जाने से पहले हम थोड़ा चाय पियेंगे और बनाते हैं चाय। ये चाय और अभी मैं चाय पी रहा हूँ और तब चलते हैं थोड़ी देर में। तो चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं डांडा के लिए और शाम भी हो गई है और ये है हमारे साथ बच्चे। तो अभी हम जस्ट अपने घर से निकले हैं और ये है इवनिंग व्यू थोड़ा गांव के ऊपर से। सनसेट भी हो चुका है और रात होने ही वाली है और ये रहा व्यू गाँव का। तो कल हमारे पशु घर आ रहे हैं डांडा से, क्योंकि धान की खेती पूरी तरह पक चुकी है। अभी हम जिस जगह पे पहुँचे उसका नाम मारधार है और यहाँ पे की बचपन की बहुत मेमोरी याद है। ये जो पीछे एक पौधा सा एक पेड़ दिख रहा है, इसे भात्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसका नाम मुझे पता नहीं है। उस टाइम ये बहुत बड़ा था, मतलब बड़े बड़े पेड़ भी हैं पीछे, तो इन्हें तोड़ के हम आपस में लड़ाई करते थे। और एक और चीज़ है इन पर, ये रहते हैं, इन्हें तोड़ के आँखों पर लगाया जाता है, इस प्रकार से इन्हें आंखों पे लगाया जाता है और फिर बच्चों को डराया जाता है। तो अभी जो ये आवाज़ सुनाई दे रही है चूचू चूचू, ये है चींचू, हमारे यहाँ उसे नुनियारा कहा जाता है। और अभी ये क्योंकि 6 बज गए तो 6 बजे ये आवाज़ करने लगते हैं, ये हमें बताते हैं कि रात होने वाली है। तो आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़, तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, यही है चींचू। फाइनली हम रात होने से पहले पहुंच गए और दिखाते हैं आपको अभी थोड़ा डांडा का व्यू। ये है डांडा का व्यू, रात हो गई है तो इसलिए साफ नहीं आ पा रहा है। सो फाइनली हम पहुंच गए और ये सब जाएंगे कल घर। और ये है चूल्हा, इसमें झरंकेदार आग जल रही है और खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ सोएंगे हम। तो रात हो गई है और खाना भी बन ही रहा है, ये देख सकते हैं आप तेज आते। और पहले ज़माने जिस टाइम हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, थोड़ा थोड़ा याद है हमें बचपन की, उस टाइम जिस दिन जैसे आज का दिन है, कल हम पशुओं को नीचे ले जाएंगे, तो आज के दिन पूरी रात नहीं सोते थे और रात भर जग कर लोग कथाएं और पौराणिक आया करते थे। लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलता है फिलहाल,
अब रात हो गई है, खाना खाएंगे। तो सुबह हो गई है और ये रहा मॉर्निंग व्यू डांडा का। तैयार है घर जाने के लिए सब? ठीक है। घर चले गए, ये देखिए। तो चल रहे हैं हम घर के लिए। तो हम घर पहुंच गए और आज के लिए बस इतना ही, और एक नई वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।